बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, फ्रेंड ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही कि नकल गिरोह के सरगना सादिक मूसा को पेपर देने वाले एक और आरोपी को जो है एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये मामला वही है ट्रिपल एससी बीडीओ बीपीडीओ घोटाले के बारे में। तो एसटीएफ को एक और बड़ा सुराग यहाँ पर जो है हाथ लगा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रूपेंद्र जायसवाल के रूप में हुई है, जो कि आमसेस टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक राजेश चौहान का परिचित था। तो आप समझ लीजिए कि एक साल होने वाले हैं वीडियो बीपीडीओ भर्ती पेपर लीक मामले के रिजल्ट आने के बाद से लगातार जो है यहां पर एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। यहां पर उन्होंने बताया गया कि रूपेंद्र ने ही पेपर आउट करवाया था। आरोपित ने राजेश चौहान से पेपर लेकर नकल गिरोह के सरगना सादिक मूसा को दिया था। रूपेंद्र लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का जो है इनाम रखा गया था। तो फिलहाल यहां पर जो है वो गिरफ्तार हो गया है। तो बीडीओ बीपीडीओ पेपर लीक मामले में बड़ी जो है कार्रवाई एसटीएफ ने की है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। लेकिन फिलहाल अभी भी घुमा फिरा के बात वहीं आ जा रही है, हु इज द बिग एलिफेंट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।